लेकिन पिताजी क्या चीज छुपा छुपा कर खा रहे हैं, लगता है कोई बढ़िया चीज वाला हमें दे ही नहीं रहे हैं, दे ही नहीं रहे। इतने में कन्हैया दाव भैया को अपने इशारा किया, बोले दाव दे, ये नंद बाबा क्या क्या छुपा छुपा करके खा रहे हैं, हमें दिखा नहीं रहे, लगता है कोई बढ़िया चीज होगा, बोले दाव भैया दूसरा खा करके दे। दाव भैया क्या भैया मैं ये नटखट काम में नहीं करता हूँ, ये नटखट काम तेरा, ये नटखट काम, ये नटखट काम मेरा नहीं। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने नंद बाबा का नजर तो बचा कर दिया, उन्होंने क्या की वो हरी मिर्च को निकाले और दांत को नीचे दबा करके पूरा पूरा खा लिया, सोचता कोई बढ़िया चीज होगा, वो तो बड़ा मिर्च था, जब खाए ना फिर तो कृष्ण नाचना शुरू कर नाचना शुरू कर दिया। तब से नंद बाबा ने प्रतिज्ञा किया, आज से कभी हरी मिर्च में नहीं खाऊं। इसलिए आप देखना जितने पुराना पुराना मंदिर होगा ना, कहीं भी हरी मिर्च भोग नहीं करता, इसलिए ये हरी मिर्च कहीं भोग नहीं लगता है। आप श्रीनाथ जी में जाओ, ठाकुर जो कभी हरी मिर्च क्यों, वहाँ बाल गोपाल रूप में वहाँ ठाकुर को जो सेवा है ना करके बाल गोपाल रूप में होता है, है? आप जगन्नाथ पुरी जाओ हरी मिर्च नहीं देखो, भुवनेश्वर जाओ हरी मिर्च नहीं देखो, वहाँ पर कहीं हरी मिर्च भोग नहीं लगता है। वहाँ पर जो काला मिर्च है ना वो काला मिर्च ठाकुर को उसमें ये काला मिर्च देते, हरी मिर्च वहाँ नहीं देते। इसलिए कृष्ण नंद बाबा का छूटन खाते, भगवान क्या करते हैं नंद बाबा की छूटन खाते हैं श्री कृष्ण। अभी कृष्ण सोच रहे हैं देखो ये ब्रजवास कितने भोले हैं, मेरे चरण सूचन के लिए मेरे सेवक इनके दर्शन करने के लिए कहाँ कष्ट करने के लिए जाते, जो मैं स्वयं इनका बेटा बनकर घर में बैठा हुआ, बोले बाबा कहाँ जाओगे, बोले लाला हम तो जन्म लेने से पहले मनो भी रखा था घर में के लाला हो जाएगा तो हम चार धाम करने जाएंगे, बोले बाबा चार धाम तो ब्रज में सारे धाम है, ये हम कहाँ चार धाम करने के लिए जाएंगे, बोले कहाँ पर, बोले आओ ना मेरे साथ में। इसलिए नियम होता है ना बच्चों को पिता माता जब वृद्ध हो जाए क्या करनी चाहिए, बच्चों को पिता माता को चार धाम को कराती है, हमारी संस्कृति है। जैसे श्रवण कुमार ने अपना पिता माता को कंधे पर लेकर के चार धाम सारे धाम कराया था, है? इसलिए कृष्ण बोले मेरे साथ था अब हम चार धाम कराए, तो उन्होंने उसको लेकर के चार धाम काम का दर्शन कराया, काम का दर्शन कराया। आप लोग कह रहे हो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री लक्ष्मण शिला है लक्ष्मण शिला सारी बुद्ध कौन कौन गए, आप गए और कौन कौन जाना चाहते हो, सबके ले जाए सब धाम ले जाएंगे, पर वो जो चार धाम है ना बड़े दूर में जो चार धाम है वो असली नहीं है, लेकिन ब्रज में असली है, इसलिए उसका नाम आदि बद्री आदि केदार, मतलब जो असली है वो ब्रज में ही है। जैसे कृष्ण के स्वरूप में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के स्वरूप में, उसी तरह ब्रज धाम में सब धाम है। कभी ब्रजवासी की इच्छा हुई दशहरा आ रहे हैं हम सबके सब गंगा स्नान करने जाएंगे, गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, बोले बाबा कहाँ जाओगे, बोले लाला गंगा स्नान करने, बोले बाबा गंगा यही आ जाएगी, बोले कहाँ पर आओ मेरे साथ में। कृष्ण मन मन में गंगा को स्मरण किया, गंगा स्वयं अचल नाम करते करते स्वयं गंगा जी में प्रकट हो गई, बोले श्री गंगा मैया की जय। इसलिए वो कहाँ पर है गिरिराज गोवर्धन धाम श्री गंगा, मानसी गंगा देखे कि नहीं, मानसी गंगा सब गए। इसलिए जितने धाम सबके सबसे वृंदा, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जय जय वृंदावन में मुरारे से वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, ये वृंदावन नहीं ये राधा रानी अपना हृदय को है अपना हृदय को उन्होंने बिछा करके वृंदावन धाम रूप में प्रकट की, कृष्ण सेवा के लिए राधा जी के हृदय में वृंदावन धाम की कितने महिमा, जहाँ पर शंकर भी गोपीश्वर बन करके दर्शन करने के लिए आते हैं प्रवेश नहीं कर पाते, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति पत्थर बनने के लिए चाहते, माँ लक्ष्मी जैसे व्यक्ति
वृंदावन के बाहर में बैठी हुई उद्धव जैसे व्यक्ति वहां की घास तृणा और पेड़ पौधा बनना चाहते हैं, नारद जैसे व्यक्ति प्रवेश करना वृंदावन धाम में बंद दुर्लभ है। बहुत बड़े वृंदावन गए सत्य गए वृंदावन धाम, इसलिए बड़े सौभाग्य पांच दिवस की वृंदावन धाम के जाते हैं। उसके बाद में फिर वो प्रणाम करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, कहते जय श्री नाम आनंद बुरा। उसके बाद में श्री हरि नाम को प्रणाम करते हैं, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। इसलिए जब हरि नाम को प्रणाम करते हैं यहाँ पर जय भी जय भी, इन्होंने दो बार जय जय बताए है, जय जय दो बार बताए। बोले कारण है कलि युग केवल नाम आधारा और सूत्र सुमेर करा करा। कलि युग में केवल ठाकुर जी को और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी का नाम को आश्रय कर, केवल ठाकुर जी का नाम आश्रय कर लो बस सब कुछ हो जाएगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया कलि युग केवल, केवल मतलब क्या है, कोई बोलेगा हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं करेंगे, केवल हरि नाम करेंगे सब हो जाएगा। हाँ हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, हरि नाम से सब कुछ। इसलिए महाप्रभु बोले यह नित्य सर्व सिद्धि है, हरि नाम करने से सब कुछ हो जाएगा। बताओ हनुमत लाल जी क्या करते, दिन भर रघुपति राम राम सीताराम, शंकर जी दिन भर क्या करते हैं बोले महामंत्र एक जपत है, दिन रात शंकर जी प्रभु का नाम और कुछ नहीं करते। देखना ध्यान कर रहे हैं, किसकी ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की ध्यान कर रहे हैं, और मुख में पंचमुख के राम नाम कान त्रिपुरारी माता देवी।